जानवरों में भी शऊर होता है, ये भी बोलते हैं। मामिन शैनिल्लाह ईश्वर पर रहम की बला जिल्ला तफ़ाव में तस्बीहा हो, कोई शय कायनात में ऐसी नहीं है उसकी तस्बीह न करते, उसने कोई भी मखलूक ऐसी पैदा नहीं की जो अल्लाह की तस्बीह न करती हो। हर शय चरिंद परिंद दरिंद दरिंद सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं, हम की तस्बीह करते हैं, हम की तस्बीह पढ़ते हैं। नमाज के बाद एक साहब पढ़ रहे थे ला सुभान अल्लाह ला सुभान अल्लाह, हम और आप पढ़ते हैं सुभान अल्लाह जो बैठे वो पढ़ रहे थे ला सुभान अल्लाह ला सुभान अल्लाह। ला का मतलब होता नहीं, नहीं सुभान अल्लाह, नहीं सुभान अल्लाह। किसी ने उनसे पूछा आप क्या पढ़ रहे, कहने लगे 33 बार पढ़ना था ज़्यादा पढ़ गया, लौटा रहा ला सुभान अल्लाह वापस कर रहा हूँ। तस्बीह हर शय करती है मगर मार्फत के साथ, तस्बीह इबादत करे मार्फत के साथ। कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है कायनात जो उसकी तस्बीह न करती हो, दरख्त पेड़ उसकी तस्बीह करते हैं। कोई भी पेड़ उस वक्त तक नहीं कटता जब तक वो तस्बीह करना ना छोड़ दे, तस्बीह करना उसने छोड़ दी तभी उसको काट दिया जाता है। मछली जो उसी वक्त शिकार होती है तो वो तस्बीह करना छोड़ देती है, उसी वक्त जाल में फंसती है। हम लोग भी जब तस्बीह करना छोड़ देते हैं हम भी शिकार हो जाते हैं, मगर इंसान को अंदाज़ा नहीं होता किस चीज़ का शिकार हो गया, बीमारी कहाँ से आ गई, ये आफत कहाँ से आ गई, ये बला कहाँ से लग गई। नहीं, तुमने तस्बीह करना छोड़ दी, यादें खुदा से दूर चले गए, अब तुम्हें तस्बीह सिखाई जा रही है। यादें खुदा में रहो, इसलिए कि यादें खुदा इंसान को आला बुलंद मकाम पर पहुँचाती है। तो जानवरों में भी शऊर होता है। मौला कायनात सलमान घर से बाहर जंगल में चले जा रहे थे, देखा रास्ते में हजारों लाखों की तादाद में चूड़ियाँ अपने घरों से बाहर आ रही हैं, तो जनाब सलमान ने कहा पाक है वो जात जो इनकी तादाद को जानती है। सलमान ने तुम क्या कह रहे हो, ये कहो पाक है वो जात जिसने इन्हें पैदा किया, और तादाद वो तो हम भी जानते हैं, और सिर्फ तादाद ही नहीं जानते हम ये भी जानते इसमें नर कितने हैं, इसमें मादा कितने हैं, इसमें फर्द कितने हैं, जोड़े कितने हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये तो हम भी जानते हैं। ये कहो पाक है वो साथ जिसने इन्हें पैदा किया। अब मौला ने फरमाया सलमान तुम्हें मालूम है ये चूटी अपनी बिरादरी से क्या कह रही है? बोला नहीं नहीं मालूम, बताइए। तो मौला ने कहा सलमान सुनो कि चूटी अपनी बिरादरी से करी जल्दी जल्दी अपने घरों से बाहर आओ, तवज्जो रहे। देखिए वहाँ जनाबे सुलेमान के वक्त चूटी अपनी बिरादरी से कह रही थी जल्दी जल्दी अपने घरों में जाओ, वो इसलिए कह रही थी इबादत का वक्त हो गया था, कहीं इबादत में खलल न पड़ जाए, कहीं उनकी नमाज कज़ा न हो जाए। मगर जनाबे अमीर के वक्त चूटी अपनी बिरादरी से कह रही है जल्दी जल्दी अपने घरों से बाहर आ जाओ, क्यों? इसलिए कि अब वो आ गया है जिसका चेहरा देखना इबादत है। इबादत है। सलावत पढ़े मोहम्मद।